हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश मुनिया और मैं ढोरों की क्लासों में लेकर आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी जरूर करना। ओके, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण लेखकों के नाम, उनकी दो दो रचनाओं के नाम, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर तुम्हारे इसमें आता है महादेव वर्मा, महादेवी वर्मा। तो महादेव वर्मा की दो रचनाओं के नाम, महादेव वर्मा की दो रचनाओं के नाम में इस तरीके से याद रख सकते हो कि महादेव वर्मा बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी, जिसने लिखा था कक्षा 12वीं में भक्ति पाठ। भक्ति पाठ की लेखिका का नाम क्या है, तो अच्छे तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की दो रचनाओं का नाम याद करना बिल्कुल आसान सा है, ये मान के चलोगे बिल्कुल। महादेव वर्मा की दो लड़कियों के नाम याद रख लो तो तुमको रचनाएं आराम से याद हो जाएगी। महादेव वर्मा की दो लड़कियों के नाम, तो महादेव वर्मा की दो लड़कियों के नाम में तुम ऐसे याद रखना, एक होती, एक है दीपशिखा, दीपशिखा, और दूसरा बिल्कुल आसान सा, पहली लड़की का नाम क्या है, दीपशिखा। और दूसरे नंबर पे आता है रश्मि, रश्मि, रश्मि और दीपशिखा, इनकी लड़कियां हैं महादेव वर्मा की। तो इस तरीके से तुम लोग अच्छे से दो रचनाओं का नाम याद रख सकते हो। अगर नहीं आए समझ में तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि महादेव वर्मा बहुत बड़ी भक्त थी, कक्षा 12वीं में भक्ति नामक पाठ लिखा, और दो रचनाओं में आती है उनकी दो लड़कियों के नाम के आधार पर याद रख लेना, जिस आधार पे नाम के आधार पर, सिंपल सा। अधिकतर लड़के और लड़के तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि उनको पता है दीपशिखा के पीछे तो लड़के जाते ही जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से याद रख लेना कि दीपशिखा और रश्मि दो लड़कियां थी, किसी थी तो महादेव वर्मा की लड़कियां थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश मुनिया और मैं ढोरों की क्लासों में लेकर आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी जरूर करना। ओके, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ढोरों की क्लासों में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। ये आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से अलंकार को पहचानने का तरीका, जो कि वार्षिक एग्जाम में एक नंबर के लिए तुमको निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ।